मैंने कल वाले पे बोला था 1 लाख आएगा, 1,23,000 आ गया, ठीक है। आज वाले पे बोल रहा हूँ 1 लाख आएगा, सुबह तक आ जाएगा 1 लाख। हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की से एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और आज की वाली वीडियो को तुम पूरा देखते रहना, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इस वाली वीडियो से ज़्यादा एक्शन ना भाई मतलब किसी वीडियो में हुआ ही नहीं। एक तो भाई हम खेल लेते भाई सारे कच्छे पहन के, तुम्हें पता होगा अपनी एक गैंग है काले कच्छा गैंग जो कि खतरनाक है थोड़ी सी। और आज की इस वाली वीडियो में फिलहाल हमारे साथ खेल रहा है गेम एक्स प्रो और हम उतरे हुए हैं भाई कोचिंग की, क्योंकि जब ये साथ खेल रहा हो ना वो कहीं और जाने ही नहीं देता यार। अब यहाँ पे मैं और गेम एक्स प्रो उतरे हुए थे भाई पोचिंग की में, मुझे सबसे पहले गन मिली और मुझे इतना पता था भाई अगर ये साथ खेल रहा है तो किल लेने नहीं देगा। तो सबसे पहले मुझे जैसे ही गन मिली तो भाई मैं बंदों की तरफ भागता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थे किल। यहाँ पे मुझे जैसे ही थॉमसन और AKM मिलती है ना तो भाई तुम्हारा भाई गन उठाता है, सामने बंदे थे और मैंने उन पर रश कर दिया। अब यहाँ पे एक टीम का मेंबर हमारा मिल जाता है भाई बहुत बुरे तरीके से। मैं यहाँ पे साइड में एक बंदे को नोक करके पूरा का पूरा फिनिश कर देता हूँ, पर अब भारी थी भाई इन बंदों की जिसने मेरे टीममेट को मारा। और टोमी गन पे स्कोप लग रहा भाई इसमें, मतलब जीरो रिकॉइल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिन बंदों ने मेरे टीममेट को मारा था वो चले गए भाई इस वाले घर में। अब इस वाले घर में मैं रश कर तो सकता था पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि भाई मुझे पता वो ले रहे होंगे TPP। उनके हाथ में एक तो है शॉट गन और इतने गंदे तरीके से चिपकाएंगे ना मेरे भाई, मेरी पेट्टी बनेगी डायरेक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करना भाई सही समझता हूँ कि मेरे टीममेट आ जाएं तभी पुश करूँगा, क्योंकि भाई वो बंदे हैं हरामी, मुझे पता है पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे और पानी भी नहीं मांगने देने के। फिलहाल मैं इधर साइड में एक आधा बोट टपका देता हूँ और अब मेरे से सबर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बंदा नोक करा, अब बारी थी इस दूसरे वाले बंदे की, पर ये भाग गया। पर तुम्हें पता होगा भाई अपने काले कच्छे वाली गैंग के बारे में, मतलब जो हम जो है ना काले कच्छे वाले भाई साहब इतना गंदा मारे हैं ना घुस के, कसम से कह रहा अपनी तारीफ नहीं कर रहा अपने मुंह से, पर कसम से भाई हम बहुत गंदा मारे हैं घुस के कभी कभी। अब यहाँ पे वो बंदा भाई पता नहीं क्या जायरो वायरो हिला रहा था बैठ के, या शायद से दीवाले देख रहा होगा, रेंगल 2.0 में नई दीवार लाई है, आधे बंदे तो वही देख रहे भाई, आधे बंदे इतने ज्यादा मन बुद्धि गेम खेलने की जगह रेंगल 2.0 को बस देखे ही जा रहे। मेरे साथ बहुत बारी हो गए, मुझे बहुत सारे ऐसे बंदे मिल गए जो कि भाई दीवाले देख रहे, सैग देख रहे, नया स्कूल देख रहे, तो भाई देखो खेल लो ना तुम इसे। अब यहाँ पे हमने पोचिंग की पूरा का पूरा क्लियर कर दिया था ऐसा हमें लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे पर और बंदे थे जो कि भाई छुप छुप के बैठे हुए थे इधर ही वाले घरों में। तो सबसे पहले मैं अपनी 3 सीटर उठाता हूँ और हम जा रहे थे सीधा। सबसे पहले मुझे एक ये बंदा दिखता है ओपन में, ठीक है। आज वाले पे बोल रहा हूँ 1 लाख आएगा, सुबह तक आ जाएगा 1 लाख। अब मैं इसे मारने के लिए उतरा, मैंने इसे नोक भी कर दिया, पर एक बंदा पीछे से फायर देता है और देखते ही देखते भाई मेरे टीममेट्स को पता भी नहीं लगा, मुझे यहाँ पे 2 किल इजीली मिल गया। अब इन बंदों को मारने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था भाई अपना रोजोक हिल, क्योंकि रोजोक हिल पे तुम्हें हमेशा बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे और काले कच्छे वाले तो वहीं जावे हमेशा। अब यहाँ पे हम वो 3 सीटर बाइक छोड़ देते हैं क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा पबजी मोबाइल में अगर तुम्हें एक अच्छा प्लेयर बनना या तुम एक पुराने प्लेयर हो तुम्हें ऐसा दिखाना तो तुम्हें वाली गाड़ी नहीं उठानी भाई, वो भिड़े भाई वाला स्कूटर इतना ज़्यादा बेकार है ना, कहीं भी पलट जाएगा और आधी बार तो वो बंदों के मुँह पर ही पलट है, इतना मैंने देख रखा, शायद से तुमने भी देखा होगा। अभी जो हम रोजोक हिल पे आ गए थे और यहाँ पे भाई पीछे जाल सा भी लगा दिया इन्होंने, पता नहीं क्या हिसाब कर दिया, पहले जाल था नहीं यहाँ पे। रोजोक में जो है बंदे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घरों के गेट खुल रहे थे और एक बंदा तो मेरे साइड वाले घर में ही दिखता है मुझे। अब यहाँ पे मैंने इसे नोक करा, पता नहीं भाई लावारिस बंदा कहाँ है, इसके टीममेट टूममेट उनका कुछ नहीं पता भाई, वे कहीं और ही पन्नी फूक रहे। अब मैं सीधा जा रहा था बिल्कुल सामने क्योंकि उधर की तरफ से भाई कुछ शॉट्स आ रहे थे। अब उधर की तरफ मैं जैसे ही जाने लगता हूँ ना तो मुझे पता लगता है कि हाँ मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा था उधर। सिल्वर प्ले बटन के लिए मना कर दिया वो, कह रहे कि बंदे जो है बिल्कुल मेरे सामने ही थे, मेरे हाथ में थी पिचकारी वाली गन। और सीरियसली बताऊं ना मुझे पता है भाई इससे आधी बार क्लोज रेंज में बंदे नहीं मरते, पर फिर भी पता नहीं मैं इसे उठा के क्यों रश कर दूं। और यहाँ पे मेरे हाथ में AKM भी आ चुकी थी पर फिर भी मैं मर गया।
यहाँ पे जब गेमएक्स प्रो ने मुझे बचाया ना, मैंने कहा भाई तू ही है भगवान, मतलब ये तो सच है कि भगवान है। मतलब इसने भाई उसके ऐसी डीबीएस टेक की, वो बंदा ऑलमोस्ट मुझे फिनिश करने ही वाला था, पर गैंग का मेंबर है तो भाई इसे बचाना पड़ेगा, आगे हम भी इसे बचाएंगे। अब पबजी मोबाइल में गैंग वैंग बनाने का भाई फायदा यही है कि तुम्हें तुम्हारे गैंग के मेंबर बचा लेंगे, अब चाहे तुम इसे स्क्वाड कह लो, पर हम तो अपनी काले कच्चे वाली गैंग के हैं। अब यहाँ पे तुम देखना भाई, एक स्क्वाड थी जो कि गाड़ियों में भर के भाई चार बंदे आए और उन्होंने हमारे ऊपर कैसे रश करा। अब यहाँ पे एकदम से भाई चार बंदों का अटैक हुआ तो मैं एकदम से पैनिक हो गया, पर यहाँ पे रवि ने भाई सब बंदों को मार दिया और एक बंदे को मैंने भी नॉक करा था जिसने कि भाई बजरंग दल वाली ड्रेस पहन रखी थी। अब यहाँ पे हमें इजीली रिवाइव मिलता है और एक सामने बोट भी आ गया था, पर अब बारी जो है भाई इनका मजाक उड़ाने की थी। यहाँ पे मैंने इनका बहुत ज़्यादा गलत तरीके से मजाक उड़ाया इमोट वगैरह करके, क्योंकि भाई जब तुम किसी बंदे को मार के इमोट कर देते हो ना, तो अगर वो तुम्हें बंदा स्पेक्टेट कर रहा हो तो भाई उसकी किल्स जाओ बहुत ही ज़्यादा बुरे वाली, क्योंकि हमारी भी बहुत बारी किल्स है जब हमें बंदे मार के इमोट कर देना, मतलब कसम से भाई क्या ही गुस्सा हो। अभी फिलहाल मैं और गेम एक्स प्रो भाई आ जाते हैं इधर की तरफ ड्रॉप पे। अब ड्रॉप पे हम आए और एक और टीम आई हमारे ऊपर अंधा रश करने। यहाँ पे मैंने ग्रोजा उठाई थी और इतने में कुछ बंदे आ गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर चला के भी देख लो। मैंने कहा रुको सर अभी चला के देखते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तक मतलब धूमफोर बनी नहीं क्या, जो मतलब हर एक ही बंदा बेटी चोद आवे और गाड़ी ठोक के, मतलब खतरनाक भाई। धूमफोर के ऑडिशन थोड़ी ना चल रहे हैं, थोड़ा धीरे से आओ, कहीं दूर जाके रोको बंदों से और सही तरीके से खेल लो भाई, गेम को गेम के तरीके से खेल लो। यो क्या आए अंधों की तरह गाड़ी ठोकी और मर गए, मतलब बहुत सही भाई, ऐसे ही करते रहो। मैं कह रहा तुम कुछ ना हो, भले तुम्हारा रैंक पुश ना हो, चाहे तुम कॉन्करर ना जाओ, पर धूमफोर के ऑडिशन में भाई तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। सलमान खान भाई तुम्हारे लिए वेट कर रहे। अब यहाँ पे तुम देखना एक खतरनाक स्प्रे, अगर वो तुम्हें पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। भाई साहब गेम एक्सप्लोर मेरा दूसरा टीममेट देखता ही रह गया, मैंने यहाँ पे करा क्या, मतलब स्प्रे मारा दोनों बंदे बाहर। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक और बार याद दिला रहा हूँ कि भाई तुम्हारी जिंदगी तो झंड है ही, मेरी जिंदगी भी तुम झंडी कर दोगे अगर तुमने इस वाली वीडियो पे लाइक नहीं करा और सब्सक्राइब नहीं करा। तो मेक श्योर लिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आगे भी, अगर तुम ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस देखना चाहते हो तो। अब नहीं सीरियसली यार, मैं ना बहुत ही ज़्यादा भला आदमी हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगा है कि पबजी मोबाइल में मेरे से भला आदमी कोई है ही नहीं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बाइक उठाता हूँ, बाइक उठा के एक यूएस उठा के लाता हूँ। अब यूएस उठाने के बाद ना मैं उसमें गेम एक्स प्रो को बिठाता हूँ कि भाई आ जा मेरे किल चुरा ले और जितने ही बंदे होंगे तू मार दिए। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने वाली गाड़ी उठाई और सीधा गया गेम एक्स प्रो के पास। और वो भी मोबाइल मेरे को लग रहा है वो क्रैक डाउनलोड करके खेल रहा है। अभी फिलहाल जो है मैं अपनी सफ़ेद कलर की बिल्कुल ख़तरनाक यूएस गेम एक्स प्रो के पास लेके जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि भाई इसके पास लेके जाने पे मुझे किल नहीं मिलेगा। फिर भी देखो मैं कितनी दूर से यूएस उठा के लाया, ठीक है मैंने इसे बिठाया अपनी गाड़ी में और गाड़ी बिठाने के बाद मैंने इसे ड्राइविंग भी दी। अब ड्राइविंग देने के बाद मैंने इसे कहा इस वाले कंपाउंड पे आ। अब इस वाले कंपाउंड पे हम जैसे ही आते हैं ना, हमें यहाँ पे एक बंदा मिलता है, वो होता है भाई मीटअप वाला। तो स्टोरी जरा थोड़ी यहाँ से शुरू होगी, मेरे साथ जो धोखा हुआ ना इतना गलत, तुम देखना भाई कितना हरामी आदमी। अभी फिलहाल हम यहाँ पे आगे आगे भाग रहे थे दोनों। अब यहाँ पे जो है एक ये बंदा होता है भाई मीटअप वाला, तुम्हें पता होगा बहुत सारी बार ऐसा होता है बंदे हमारे से मीटअप कर लें यार हम भी कर लें, क्योंकि हमें फ़र्क फुर्क नहीं पड़ता भाई चिकन डिनर से, ठीक है। अब सामने कुछ बंदे होते हैं मीटअप वाले, बंदे को मैं पीछे छोड़ आया था और गेम एक्स प्रो को भी, मैंने सोचा कि मैं सामने वाले बंदों को जाऊँगा मारूंगा और भाई किल वगैरह चुरा लूँगा इनके, इन्हें घंटा पता नहीं लगेगा। पर इतने में क्या होता है भाई, वो गेम एक्स प्रो गाड़ी उठा के लाता है और सबसे पहले तो भाई मेरा सामने वाला किल चुराएगा और फिर उसके बाद ये मीटअप वाला बंदा भी मेरे से पहले ही मार देगा। यहाँ पे इसने भाई डीबीएस से वाला बंदा तो पेल दिया था जो कि स्मोक के अंदर था उस पेड़ के पास। अब कोई नहीं, चलो भाई इसने वाला बंदा पेल दिया भाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई गाड़ी में बिठा ले, गाड़ी में नहीं बिठाया क्योंकि तुमने देखा होगा इतनी दूर से मैं इसके लिए गाड़ी लेके आया था, बाइक लेके गया इसके लिए गाड़ी लेके आया, इसे बिठाया इसे ड्राइविंग दी
पर भाई हरामी ने मुझे बिठाया तक नहीं अपनी गाड़ी में, मैं पैदल भग रहा यहाँ पे। ब्रोकन वाले के पीछे जा, ब्रोकन वाले के पीछे जा जल्दी। अब चलो कोई नहीं भाई, इतनी आरामी पंती तो मैं झेल लूंगा, तुम भी झेल लोगे, पर यहाँ पे जो मेरे साथ होने वाला था ना भाई, मैंने नेड की पिन खींची, मैंने सोचा कि मुझे किल मिल जाएगा, पर हराम खोर ने DBS ऐसी मारी उसके एंड मौके पे, मतलब तुम देखना क्या हुआ उस बंदे के साथ। वो बंदा भी कह रहा होगा कि यार कैसे बंदों से मीटअप करा साले, मारने के लिए वो परेशान ही हो रहे थे मुझे। तो भाई इस बात की कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, कैसे बोल दिए भाई। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लेवल आई एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये साला MVP भी बन गया, अरे महादेव चोद, पैसा कटेगा तुम्हारी माँ का। तो वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लेवल आई एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और नीचे तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट, बाय। Ingon.